चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट करवाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। कल 28 दिसंबर 21 को रेजिडेंट डॉक्टर्स और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निर्णय लिया है कि वो स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। उस मीटिंग के बाद में हेल्थ मिनिस्टर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करवा पा रहे हैं। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा और उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों, ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी है वो 6 जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के डिसीजन के बाद ही स्टार्ट हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी इसमें और डिले नहीं होगा। जैसे ही 6 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद में 7th या 8th से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन के अंदर अंदर ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा डिले नहीं हो सकता है। तो आइए मैं सुनवाता हूं आपको वो वीडियो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया है। हमारे रेसिडेंट डॉक्टर कई दिनों से काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए और तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो इसके लिए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस जब सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और डॉक्टरों ने मेरे पास ये भी अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो। डॉक्टर और हमारे रेसिडेंट डॉक्टर जिन्होंने कोविड क्राइसिस में बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए और जो हमें सफलता मिली है उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स को ही सारा यश दिया है, अभिनंदन भी किया है। और कल हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे उस वक्त, उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं।